मैं आर्तिका शुक्ला हूँ। आप में से कई लोगों ने मेरा इंटरव्यू पहले भी देखा होगा। मेरी इस बार यूपीएससी में चौथी रैंक आई है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है, मैं एमडी कर रही थी, जिसके दौरान मुझे लगा कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूँ और इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया। अब आज मैंने जो भी इन पूरे एक साल में जिस तरह तैयारी की, जो भी मैंने सोचा करने का, जैसा रिजल्ट आया, इन सब से जो भी मैंने सीखा वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ आपको, मुझे पता नहीं आपको कितना इससे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप में से किसी एक को भी इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानूंगी। शुरुआत करते हैं कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब से करनी है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग आपको ऐसा कहेंगे कि आप बचपन से ये करें, स्कूल टाइम से करें, कोई एक पर्टिकुलर टाइम है जब आपको शुरुआत करनी चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैंने शुरुआत 2014 के नवंबर में की थी और एक साल में मैंने इसकी ठीक ठाक तैयारी कर ली। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी लगे कि आपको ये परीक्षा देनी है, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसमें जुट जाएं। उसमें आपकी उम्र कितनी है, कितने साल बचे हैं, कितने अटेम्प्ट बचे हैं, इनका कोई आप इसका ध्यान न दें। और अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं तो एक साल भी बहुत है। मैंने एक साल ही मेहनत की है। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम, जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रिलिम्स होता है, जो अगस्त के महीने में होता है पिछले दो साल से। दूसरा एग्जाम इसका मेंस होता है, जो दिसंबर में होता है, और अगर इन दोनों में क्वालिफाई हो जाए तो इंटरव्यू होता है, जो प्रोबेबली मार्च से मई जून तक चलता है। प्रिलिम्स का जो पेपर होता है उसमें दो पेपर्स होते हैं, एक होता है सी सैट या एप्टीट्यूड और एक होता है जनरल स्टडीज। प्रिलिम्स में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता है, ये पैटर्न चेंज हो गए हैं। सी सैट जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है, तो उसमें बस अब आपको 33% ही लाने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा कुछ उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तैयारी की बात करें, जैसे मैंने करी थी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। पेपर जो जीएस का होता है उसका यूपीएससी एक सिलेबस निकालती है, उस सिलेबस को आप देखें, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ होता है। एक्चुअली कोई सिलेबस होता ही नहीं है, जो भी देश में चल रहा है, जो एक जनरल वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन को पता होना चाहिए वो सब इस पेपर में आता है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत घबराती थी, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करें तो आपके इतने नंबर आ जाएंगे कि प्रिलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। और प्रिलिम्स में अच्छा करके बहुत अच्छी रैंक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, प्रिलिम्स सिर्फ सिलेक्शन लेवल का एग्जाम है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, इनमें मैं बड़ा ही बेसिक सा आपको बता सकती हूँ कि स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री एक किताब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं क्लास 6 से 12 तक, और इधर उधर अगर आपको थोड़ा और जानना है तो आप जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हैं, बट उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती। और इकोनॉमिक्स के लिए अगेन आप एनसीईआरटी के 10th, 11th, 12th की किताबें पढ़ लें तो वो मोर देन इनफ नॉलेज है। इसके अलावा जो करंट इवेंट्स है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, और मैंने सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा था जो द हिंदू था। आई थिंक बहुत सारे लोग और भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लें। उसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस और डेवलपमेंट्स और ये जनरल बातें हैं, वो आपको न्यूज़पेपर के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो नहीं पढ़ी थी, और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी कि प्रिलिम्स और मेंस की तैयारी आप साथ साथ करें। दिन भर में अगर 3 घंटे आप प्रिलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए 1 घंटा निकाल लें। प्रिलिम्स के वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ें जो मेंस में कोइंसाइड करते हैं, तो ऐसा करके आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल तक आ जाएगी अगस्त में ही। इसके अलावा मैंने एक चीज जो की थी प्रिलिम्स की तैयारी में, वो था डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के टेस्ट पेपर्स करना।
तो वो आप जरूर करें। मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मेरा कोई क्लासरूम कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। एक कोचिंग कहीं मैं गई भी थी तो मैंने 3 दिन के बाद वहां जाना छोड़ दिया था। इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप एक बार दिल्ली जाएं एग्जाम के 2 महीने पहले, और जितने भी कोचिंग सेंटर्स जो फेमस हैं उस साल जो चल रहा है, जो टॉपर्स बोलते हैं, उन कोचिंग सेंटर्स के पेपर्स लेके वो पेपर्स घर पे करें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देता है। आप टाइम लिमिट में करें तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फील होता है। और कुछ एक दो कोचिंग हैं, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया है, विजन आईएएस है, इनके क्वेश्चंस एक्चुअली हमारे मेन यूपीएससी के पेपर में रिपीट भी होते हैं, तो ऐसा जरूर करें। और इसके साथ सीसैट के लिए ज्यादा टेंशन लेने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसमें बड़ा ही बेसिक 10th लेवल का मैथ्स, 10th लेवल की इंग्लिश, थोड़ा सा समझदारी, कॉम्प्रिहेंशन, वो आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता उसके लिए किसी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत होती है। अगर आपको इंग्लिश में डर लगता हो तो आप इंग्लिश की कोई किताब पढ़ ले। मैंने नहीं पढ़ी थी इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती कि कौन सी पढ़नी। ये सब करके आपका प्रिलिम्स खत्म हो जाएगा। अब एक बात है कि प्रिलिम्स देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 1-1.5 महीने बाद आता है, और आपका मेंस का एग्जाम दिसंबर में ही होता है। तो इसलिए हम मेंस की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले प्रिलिम्स के रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया था कि प्रिलिम्स के बाद 1 हफ्ते का गैप लिया और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया मेंस की तैयारी करने। आपको भी यही करना चाहिए। आपको खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर आपने प्रिलिम्स दिया है तो आपका सिलेक्शन होगा और हो जाएगा। प्रिलिम्स इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आता है मेंस की तैयारी। अब मेंस की तैयारी में बहुत सारा, इट इज अ वेरी वास्ट थिंग, बहुत बड़ा है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड करना है, बहुत सारी चीजें इसमें सोचनी भी पड़ती हैं। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इन 4 भाग में बांट के मेंस की तैयारी करते हैं। जो पेपर 1 है उसका सिलेबस आपको यूपीएससी के साइट पे मिल जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखें, उसको याद कर लें, उसको अपने कमरे में चिपका लें, ताकि जो भी उसमें कुछ लिखा है वो अगर आपको कभी चलते फिरते दोस्तों से बात करते हुए, न्यूज़पेपर में आते हुए, कहीं भी वो लगे कि आपको कुछ उसके लायक चीज मिल रही है तो उसको आप कर सके। तो आप सिलेबस याद कर लें। उसके बाद बात आती है प्रिपरेशन की। पेपर 1 जो है उसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक दो टॉपिक्स और होते हैं, सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी का प्रेजेंस और वुमेन का उसमें क्या रोल है, और ये सारी चीजें कुछ बड़ा सा सिलेबस है यूपीएससी के साइट पे, वो आप पढ़ें। पेपर 1 के लिए मैंने जो किया था वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। हिस्ट्री में मैंने बिपिन चंद्रा की जो 2 किताबें हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, वो दोनों पढ़ी थी। मैंने रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी भी पढ़ी थी, पर वो एग्जाम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आपको पढ़ने का शौक है तो वो किताब जरूर पढ़ें, वो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। ज्योग्राफी के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपको एक बेसिक ज्योग्राफी का सेंस प्रीलिम्स तक हो जाना चाहिए, उसके लिए आप एनसीईआरटी 10th, 11th, 12th, 9th, आपको जहां भी लगे कि आपको पढ़ने की जरूरत है वो पढ़ लें। 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एडिशन में आप जीसी लियोंग पढ़ें, मैंने वो पढ़ा था। फिजिकल पार्ट, एटलीस्ट पार्ट 1 उसका आप बहुत अच्छे से पढ़ें। आजकल तो क्वेश्चंस मेरे पेपर में नहीं आए थे लेकिन आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन सब का आपको ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। मैंने एक मृणाल की साइट है, एक इनसाइट्स ऑन इंडिया है, इन पे ज्योग्राफी के लेक्चर्स बहुत ध्यान से पढ़े थे, मैंने उनके वीडियोस भी पढ़े थे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, थोड़ा सा आप ले सकते हैं इंटरनेट का हेल्प इन ज्योग्राफी। उसके बाद आता है सोशल, सोसाइटी की जो बातें हैं, मैं उसके लिए एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी कि सोसाइटी और वुमेन और इन सब बातों के लिए आपको कोई अलग से मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कोई पेपर में जो ये सारी चीजें आती हैं, द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, या आप जो भी पढ़ते हो, आपने करंट इवेंट्स अगर पढ़ा हुआ है तो सोसाइटी आपका ऑलरेडी तैयार है, उसमें आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, जो भी नई चीजें हो रही हैं वही काफी है फॉर करंट, फॉर सोसाइटी इन पेपर 1।
उसके अलावा कोचिंग बहुत सारे मटेरियल्स निकालती हैं, सोसाइटी पे किताब है, एनसीईआरटी है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा था। सिर्फ जो पूरे साल हो रहा है आप उससे अप टू डेट रहें, आप पीआईबी की साइट्स पढ़ते रहे, आप पीआरएस में पढ़ते रहे, आप एमपीआर पढ़ते रहे, मंथली पॉलिसी रिव्यू होता है, ये गवर्नमेंट के साइट्स हैं। अगर और टाइम हो तो आप गवर्नमेंट की इंडिविजुअल साइट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की अपनी एक साइट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक साइट है, वो साइट्स पढ़ते रहे, इतना काफी है सोसाइटी का पार्ट प्रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा एक आई थिंक डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर वन में आता है, उसके लिए एआरसी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, वो दैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इन एडिशन अगर कोई डिजास्टर कंट्री में हुआ है, कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं फ्लड्स आए हैं, तो न्यूज़पेपर से आपका वो प्रिपेयर होता रहे। तो पेपर वन का इतना हुआ। अब हम पेपर टू पे चलते हैं, जो मुझे सबसे टफ लगता था यूपीएससी के पेपर्स में, दैट इज अबाउट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आई थिंक एंड सोशल जस्टिस। और ऐसा बड़ा ही बड़ा सा पेपर है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बट सिलेबस से डरने की कोई बात नहीं है। आपको सिलेबस याद कर ले, सबसे पहले एक बेसिक बुक जो है वो है लक्ष्मीकांत, मैंने वही पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए, और वही आपको मेंस के लिए भी एक बार दोहरानी होगी। उसके बाद जो भी टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में आप या तो किसी कोचिंग सेंटर से वो मटेरियल लेके पढ़ें, या उससे बेटर तरीका क्या है कि आप उन टॉपिक्स को गूगल पे डाल दें और जो भी रिजल्ट आए आप वो ऊपर ऊपर से पढ़ लें। जो आपके करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जो हिंदू में खबरें आ रही हैं, वो सारा आप ऊपर से पढ़ लें, और उनसे इन एडिशन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज की साइट्स पे जाएं और उनसे पढ़ते रहें। मंथली पॉलिसी रिव्यू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, योजना एक गवर्नमेंट का मैगजीन है, 10 रुपए की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है योजना मैगजीन, आपको जरूर पढ़नी है, उससे पेपर टू ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाता है। इन एडिशन पेपर टू में सोशल डेवलपमेंट और ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको बड़ा यू नो फोकस होके पढ़ना पड़ेगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, कोई जुवेनाइल लॉ आया है, कोई लड़कियों पे लॉ आया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये सब आपको थोड़ा सर्च करके देखना होगा। मैंने इंटरनेट का बहुत यूज किया था पेपर टू में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटर है कि आप जो कोचिंग के मटेरियल्स आते हैं या जो कोचिंग में पढ़ाते हैं कि भाई टॉपिक है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या स्टेट लेजिस्लेचर, तो अब इस पे आप थ्योरी के 20 पन्ने पढ़ रहे हैं, 50 पन्ने पढ़ रहे हैं, इनका कोई यूज नहीं है। यूपीएससी में अब ऐसे सवाल ही नहीं आते जो आप किसी किताब में पढ़ के आंसर वहां कर पाए। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैंने जो साइट्स बताई आप वो साइट्स देखते रहें। आप खुद सोचें, अभी अगर कोई लॉ आया है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, आप गूगल पे डाल दें एडवांटेजेस ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट, आपको खुद 4-5 टॉपिक्स मिल जाएंगे, 4-5 न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, उसको पढ़ें, अपना एक व्यू बनाएं, उसको शॉर्ट करें और अपनी कॉपी में, या अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट करके एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स में उसको लिख दें। इस तरह आपको पेपर टू करना है। पेपर टू रिक्वायर्स बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और फोकस, वो आपको डे वन से डे लास्ट तक करना है, और एंड तक आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, बट यही सही तरीका है। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये किताब पढ़ लो, ये कोचिंग कर लो, ये टेस्ट पेपर कर लो, ऐसा मत करिए, मैंने ऐसा नहीं किया था। आप एक जागरूक सिटीजन की तरह पेपर टू की प्रिपरेशन करें, एक स्टूडेंट की तरह ना करें, तो जो क्वेश्चन पेपर में एक सवाल आएंगे वो भी आप एक बहुत ही अच्छे लेवल का आंसर उसमें लिख सकते। इसके अलावा पेपर टू में मुझे लगता है थोड़ा सा एक कॉमन सेंस की जरूरत होती है, वो नॉर्मली डेवलप होने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप एक मॉक टेस्ट सीरीज जरूर करें पेपर टू के लिए। उसमें आपको ऐसे रैंडम सवाल पूछे जाएंगे, आपको लगेगा जब आप टेस्ट दे रहे होंगे कि मैं क्या लिखूं, ऐसा ही सेम यूपीएससी के पेपर में भी होगा। मैंने जब पेपर दिया था 20 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको पहली बार पढ़ के मुझे लगा ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसके बारे में आप 15 सेकेंड सोचें, एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, एक बहुत ही जागरूक और नॉर्मल सिटीजन की तरह आप वो क्वेश्चन पढ़ें और एक स्मॉल सा आंसर 200 वर्ड का उस पर लिख दें, और यही वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आप ये मत सोचिए कि आप हर टॉपिक के बारे में यू नो 200 वर्ड्स याद करके जाएंगे और वहां उलट देंगे, ऐसे सवाल ही नहीं आएंगे। तो पेपर टू के लिए ये जो बात, ये सारा प्रिपरेशन टेक्निक प्लस एक मॉक टेस्ट सीरीज जो आपको सोचना सिखा दे,
जो आपको कम समय में 3 घंटे में 20 क्वेश्चन सोच के लिखना सिखा दे, ये करना इज मोर देन इनफ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर आता है पेपर 3 विच इज इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जो मुझे एज अ डॉक्टर बहुत टफ लगता था। मुझे कुछ नहीं पता था जब मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की, मुझे ये भी नहीं पता था कि बैंक्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, क्या होता है लोन, क्या होता है लेंडिंग रेट, आरबीआई का काम क्या है। तो अगर आपकी भी ऐसी हालत है तो आप इससे घबराइए मत, काफी टाइम है और इसके लिए पढ़ाई की जा सकती है। बहुत ही बेसिक लेवल का इकोनॉमिक्स यूपीएससी में आता है, तो जो टफ इकोनॉमिक्स आती है एक्चुअली वो प्रीलिम्स के लेवल पे आती है। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लें, आपको बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद पेपर 3 का जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक्स हैं वो आप एक बार ध्यान में रखें, एक एनसीईआरटी आप पढ़ लें। रमेश गुप्ता की एक किताब आती है जो लोग कहते हैं पढ़नी चाहिए, मैंने थोड़ी थोड़ी वो पढ़ी थी, वो इतनी मोटी किताब है। अगर आपके पास समय है और अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड है, आपको अच्छा लगता है, तो आप वो किताब पढ़ें। मैंने वो नहीं पढ़ी थी, मैंने शायद 2-3 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़े थे, बट वो एक अच्छी किताब है। मैंने मेंस के बाद थोड़ा सा उसको पढ़ा तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि एसेंशियल पेपर 3 में कोई भी किताब नहीं है, आप अगेन करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो न्यूज आती है वो आप ध्यान में रखें। आरबीआई ने कोई नई कमेटी बनाई, गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ बोला, बजट आया और इकोनॉमिक सर्वे आया। मैं एक बहुत वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली हमारे पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी के। सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर्स हैं, उनके टॉपिक्स और उनके जो 10-12 पेज जो वो लिखे रहते हैं, उससे डायरेक्ट लाइंस उठा के यूपीएससी के पेपर में आई। तो अगर कोई ऐसी एक किताब है जो आप पढ़ लें और आपको लगे कि हाँ इससे मेरे पेपर में क्वेश्चन आए, तो वो इकोनॉमिक सर्वे। आप इकोनॉमिक सर्वे जब भी रिलीज होता है, जब भी टेबल होता है पार्लियामेंट में, उसका ओरिजिनल कॉपी लें, वो फोटोस्टैट्स और कोई भी ऐसे समरीज वो सब ना करें, और उसको लेके आप एक बार क्या मैं कहूंगी, 2 बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें और इकोनॉमिक सर्वे का एक समरी बना लें, उसको आप रिवाइज करते रहें, उससे डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन आएंगे। बजट के सिर्फ की फीचर्स पढ़ने की जरूरत है, पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा टफ भी होता है फॉर एनीवन जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। इसके अलावा पेपर 3 के लिए मुझे याद है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न्स और इंडिया की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन सब पे बातें करनी है, उसमें लिखा रहता है। तो उसके लिए आप बस ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ लें, बहुत हाई लेवल की जरूरत नहीं है। करेंट इवेंट्स में अगर कुछ हो रहा हो, कहीं पे हमने कुछ नया किया, हमने फोर्टिफाइड क्रॉप्स ला रहे हैं, या कहीं पे ड्रॉट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फार्मर सुसाइड्स बढ़ रहा है, तो ये सब आपको करेंट इवेंट से पता चल जाएगा। इसके अलावा पेपर 3 में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस डेवलपमेंट का एक पार्ट है जो थोड़ा डरावना लगता है शुरुआत में, बट अगेन मैं यही कहूंगी उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप रोज हिंदू पढ़ते रहें, जो उसका स्पेस का पार्ट आता है, अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो उसके नोट्स बना लें। अगर 1-2 सवाल आपसे नहीं भी आए तो उसके लिए एक पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे लगता है अगर आपने साल भर पेपर पढ़ा है तो आपको एक कोई एंड में जाके एक नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे यही करते हैं, लोगों को लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवंबर में बहुत सारी कोचिंग्स एक बुकलेट निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये पूरे साल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। मैंने वो नहीं किया था, उससे हार्डली 1-2 सवाल आएंगे और उसको पढ़ने में आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आप साल भर एक माइंड सेट रखें कि साइंस की अगर कोई न्यूज आती है न्यूज पेपर में तो वो आपने एक नोट बना के रख लेना है। इसके अलावा पेपर 3 से डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं एक बार दोबारा कहना चाहूंगी, इकोनॉमिक सर्वे इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, उसको किसी भी हालत में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बजट इज अगेन ऑफ इंपॉर्टेंस, एंड एनीथिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीचेस आ रही हो, आरबीआई गवर्नर ने कोई स्पीच दिया हो जिसमें वो इंडिया के बारे में कुछ बता रहे हो, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। और जो भी पूरे साल इकोनॉमिक न्यूज का कवरेज होता है वो आप पढ़ते रहें, और दैट इज मोर देन इनफ फॉर पेपर 3।